अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, हमने बहुत कोशिश की कि बारिश थम गई है एक दो दिन के लिए कि हम किसी तरह से उन आबादियों तक पहुंच सकें जहां तक आज तक रास्ते नहीं खुले, लेकिन थोड़े ही सफ़र के बाद आगे लाइट स्लाइडिंग की वजह से हमें वापस लौटना पड़ा और वापस फिर उन इलाकों में जहां रेस्क्यू की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जी माशाल्लाह ज़बरदस्त रेस्क्यू 112 पाकिस्तान का सबसे ऐसा कमाल का इदारा है जिसने फ्लड एरियाज़ के लोगों के दिलों में अपनी सही जगह बनाई है। अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमाए और तमाम पाकिस्तान के मुसलमानों से मेरी अपील है कि आप लोगों को भी अल्लाह ताला ने मौका दिया है सवाब कमाने का, आप भी कोशिश करें मुखय्यर हज़रात बन के जल्द अज़ जल्द पहुँचें जिस तरह से दूसरी टीमें पहुँच चुकी हैं। अल्लाह ताला इन मेरे भाइयों के एक एक कदम पे हज़ारों नेकियां और जन्नत में इनके महल तैयार कराए और इनकी मेहनत देख के मुझे भी रश्क आ रहा है। आप लोग भी कोशिश करें, ये देखें ना रास्ते हैं, ना मोटरसाइकिल का रास्ता है, ना गाड़ी का। इन्होंने अपने सरों के ऊपर वज़न उठाया हुआ है और पैदल घरों तक पके पकाए खाने पहुँचा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके एक एक कदम पे आपको इसकी जजा देगा। प्यारे दोस्तों, मैं बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कहीं आप इस सोच में लेट ना हो जाइएगा, कहीं वक्त गुजर ना जाए आपके हाथों से। आपसे जितनी भी इमदाद हो सके ज़रूर इस कार्य खैर में शामिल कीजिएगा।